जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय आपको स्वयं निकालना होगा। आज इस पावन धरा सकरी में पूज्य संत श्री लोग पधारे हुए हैं, हम सबका परम सौभाग्य है। मानव जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, माता पिता बंधु भाई पत्नी पति राजपाट सब कुछ उपलब्ध होगा, लेकिन संत समागम बड़ा दुर्लभ होता है। ये संत समागम आपके सकरी के आश्रम के संचालक महोदय और महोदय के अथक प्रयत्न से ये सत्संग सभा का आयोजन हुआ है, अतः इसका लाभ हमें लेना चाहिए। तात मिले पुनी मात मिले सुत भात मिले युवती सुखदाई, तात मिले सुत भात मिले सुत भात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मनोवांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले पर लोक मिले बहुवंतन जाई, सुंदर और मिले सब ही कवि सुंदर कहते हैं, सुंदर और मिले सब ही के संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। लेकिन हमारा मन तरह तरह के बहाना बना लेता है, इसलिए हम अपने मन को समझाएं इन शब्दों के माध्यम से। ऐ मन मूरख मान कहा रे, गुरु चरणों में ध्यान लगा रे, ऐ मन मूरख मान कहा रे, गुरु चरणों में ध्यान लगा रे, पल दो पल का है यह जीवन, पल दो पल का है यह जीवन, इसको तू ना व्यर्थ गवा रे, व्यर्थ गवारे। ऐ मन मूरख मान कहा रे, गुरु चरणों में ध्यान लगा रे। हम अपने जीवन को अमूल्य क्षणों को कहाँ कहाँ व्यतीत कर देते हैं। संत गुरुजन हमें हमेशा बताते हैं समय भागा जा रहा है और हम जो है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारा जीवन जो है मूल्य जीवन जो है इसी भाव पर एक सुंदर भजन आप सुनिए। जिंदगी की ये अनमोल घड़ियां जो लुटाने के काबिल नहीं है, जिंदगी की ये अनमोल घड़ियां जो लुटाने के काबिल नहीं है, फकत खाते ही पीते यूं रहना नरदेही के काबिल नहीं है, भोर होते ही सूरज निकलता सबको देता है सुंदर संदेशा, भोर होते ही सूरज निकलता सबको देता है सुंदर संदेशा, उठो जागो करो अब न देरी, वक्त सोने के काबिल नहीं है, उठो जागो करो अब न देरी, वक्त सोने के काबिल नहीं है, क्यों तू कब्र में फिरता तू डोले, ऐंठ में पेट
अपनी न खोले, क्यों तो कब्र में फिरता तू डोले। ऐठ में पेट अपनी न खोले, छाड़ी रत्नों को कंकड़ टटोले। ये उठाने के काबिल नहीं है जिंदगी की ये अनमोल घड़ियां, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तू समझता सभी ठाठ मेरा, चंद दिन का है कर ले बसेरा। तू समझता सभी ठाठ मेरा, चंद दिन का है कर ले बसेरा। उठे हाकिम लुटेगा ये डेरा, यहाँ रहने के काबिल नहीं है। उठे हाकिम लुटेगा ये डेरा, यहाँ रहने के काबिल नहीं है जिंदगी की ये अनमोल घड़ियां, जो लुटाने के काबिल नहीं है। स्वप्न की नींद में जाता खोता, कभी हंसता कभी क्षण में रोता। स्वप्न की नींद में खाता गोता, कभी हंसता कभी क्षण में रोता। रंग राजा बने नृप भिखारी, रंग राजा बने नृप भिखारी। जाग जावे तो कुछ भी नहीं है जिंदगी की ये अनमोल घड़ियां, जो लुटाने के काबिल नहीं है। फकत खाते ही पीते यूं रहना, नरदेही के काबिल नहीं है। अंतिम पंक्ति की ओर जाएंगे। सदगुरु की शरण में जो आए, मिटे अज्ञान निज पद को पावे। सदगुरु की शरण में जो आवे, मिटे अज्ञान निज पद को पावे। स्वतः अमृत स्वरूप है तेरा, जन्म मृत्यु के काबिल नहीं है। स्वतः अमृत स्वरूप है तेरा, जन्म मृत्यु के काबिल नहीं है जिंदगी की ये अनमोल घड़ियां, जो लुटाने के काबिल नहीं है। फकत खाते ही पीते यूं रहना, नरदेही के काबिल नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब साहेब। बहुत ही सुंदर और मधुर भजन श्रवण किए। जिंदगी की ये पल है ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये अनमोल घड़ियां हमको समय जो मिला हुआ है, एक एक समय का हमें सदुपयोग करना है, क्योंकि जीवन के लिए कहा जाता है ये बहुत ही क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर, एक पल में क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब से जागे तभी सवेरा जो कहा गया है, जब हम हमारी चेतना जगती है उसी क्षण से ही हमें सावधान होने की जरूरत है। सावधानी ही साधना है जो कहा गया है। ऐसे ही हमारा शरीर है, स्वस्थ है और मन भी स्वस्थ है,
तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही सुख शांति का काम किया जा सकता है। शरीर बीमार है और मन बीमार है तो उसमें स्वयं दुखी बने रहेंगे और परिवार और समाज के लोग भी उसमें उसको भी अच्छा प्रभाव उसमें भी नहीं पड़ेगा। इसलिए जिसके पास जो चीज होती है, धनवान है तो वो धन दे सकता है, ज्ञानी है तो ज्ञान दे सकता है, एक शिक्षक है विद्यार्थियों का अपनी उसके उसके से संबंधित ज्ञान दे सकता है। ऐसे ही जो ज्ञानी है और जिसके पास ज्ञान धन है वो ज्ञान ही दे सकता है। जो सुखी है वही दूसरों को सुख बांट सकता है और जो दुखी है वो उसके पास जाएंगे तो सुखी सुख का अनुभव नहीं होगा। अगर वही दुखी है तो जिसके पास जो चीज है वही तो मिलेगा, वो भी बदले में दुखी देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो जीवन की जो घड़ियां हैं ये एक एक पल एक एक क्षण बहुत ही अमूल्य है। सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा है कि रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। ये जो शरीर रूपी जो रत्न है उसको जतन पूर्वक रखने की जरूरत है, क्योंकि सारा जो साज सिंगार है भौतिक प्राणी पदार्थ में जितने भी भोग ऐश्वर्य दिखते हैं आकर्षण दिखते हैं वह कुछ पल के लिए ही है और आंख पलकते ही झपकते ही वो समाप्त होने वाला है। ये दुनिया तो रहती है लेकिन हमारे नहीं रहने पर हमारे लिए सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम जीवन रहते अपना सुख और शांति का काम करें। आज पूज्यवर गुरुदेव जी की निर्वाण दिवस के रूप में ये कार्यक्रम है। वैसे हिंदी तिथि के अनुसार पूज्यवर गुरुदेव जी का जो जन्म हुआ है भादो कृष्ण द्वादशी में पूज्यवर साहब जी का अवतरण हुआ और यही हिंदी तिथि के अनुसार आज के ही दिन इनका दशी के दिन ही उनका शरीरांत हुआ, अपने स्वरूप में लीन हुए। अंग्रेजी तिथि के अनुसार सबको याद रहता है 1933 में पूज्यवर गुरुदेव जी का जन्म हुआ और 26 सितंबर 2012 को उनका शरीर शांत हुआ, अपने स्वरूप में स्थित हुए। तो सद्गुरु ने हमें जो ज्ञान धन दिया ये उस ज्ञान धन से हम सब भली भांति परिचित हैं, उसको और बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय नभ में एक ऐसा सितारा चमका जो भारत ही नहीं पूरे विश्व को ज्ञान से प्रकाशित कर दिया। जिस प्रकार से सद्गुरु कबीर विश्व में प्रसिद्ध हुए, भारत ही नहीं विश्व के लोग भी सद्गुरु कबीर को याद करते हैं, जानते हैं। ऐसे ही पारक सिद्धांत में कबीर पंथ में पूज्यवर साहेब जी विश्व में विश्व को ज्ञान से प्रकाशित कर दिया। उस सितारे को हम पूज्यवर गुरुदेव जी सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के नाम से जानते हैं।